सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। फिर कभी मिलेंगे, हंसा करो हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया कर। क्या किस वजह से तरह अरे सर, वो दिन बागेश्वर धाम जाना था हम लोग को, अनागर में आए थे बाबा जी। पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या घटनाक्रम था, आप लोग मत बोलिएगा। अरे घटनाक्रम सर, वही मार्बल सिटी हमें जाना था। मार्बल सिटी गए अपनी माता मेरी को रेफर कराने में, सोचा हो जाएगा ऑपरेशन। तो जो डॉक्टर साहब रहे थे, वो डॉक्टर साहब काम छोड़ दिए हैं, आप पता कर सकते हैं जाके मार्बल सिटी में। कालिया साहब मिले, कालिया साहब बोले हमारी बस का नहीं है, पटेल साहब से मिले। पटेल साहब लेट आए थोड़ा, पटेल साहब लेट आए। वो आए तो उसके बाद बोले ठीक है रेफर बनवा लो, कल आप माता राम को भर्ती करा दो। इतनी बात थी। और बात तो क्या हुआ, पर आप घर आने में लेट हो गए, क्या घर आने के बाद मैंने क्या देखा, मैं देखो गुस्सा में भरी था अपन, क्या हम सोचे 10 मिनट गुस्सा शांत हो जाएगा, अपन 10 मिनट बाद आ जाएंगे। तो उसने मैंने दरवाजा दरवाजा बंद कर ली। दरवाजा बंद करने के बाद हमने खटखटाया, हाथ पैर जुड़े तो कुछ आवाज अंदर से नहीं आया। हमने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर लोहे का हमारा दरवाजा है, आप देख सकते हैं चल के लोहे का दरवाजा है। फिर हमने बगल में हम चाचा के लड़कों को बुलवाए, फिर वेंटिलेटर तोड़े, वेंटिलेटर से फिर अंदर जाना। फिर हमने क्या इच्छा थी उनकी? अरे बागेश्वर धाम सर, मैं एक तो बोल रहा हूँ बागेश्वर धाम जाने की वही इच्छा थी उनकी। बाबा जी को बहुत मानती थी, बाबा जी की हर बात फॉलो करती थी, बाबा जी की हर एक बात फॉलो करती। आपको क्या लगता है वहाँ लाल ले जा पाना ही तो और है? क्या होगा सर बताइए, क्या बता दूँ मैं आपको। अच्छा, आपके लंबे वैवाहिक जीवन में कभी कोई झगड़ा विवाद कुछ आपस में क्या हुआ? अरे झगड़ा क्या होगा बताइए ना, क्या झगड़ा होगा। वो तो फोन कर देती तो मैं भगाता रहा, मैं बल्कि बहुत जरूरी काम पे हूँ। मेरे 14 साल शादी हो गया, मेरे बच्चे हैं 12 साल का, एक 7 साल की। तो क्या ये बागेश्वर धाम बाबा को बहुत देने क्या? बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी वो जो बात बोल दे वो बात फॉलो होना है। यदि वो बोल दे कि आज प्याज नहीं खाना तो आज प्याज नहीं खाना है। वो जो बोल दे वो बात फॉलो होना है घर में। तो वो अभी बागेश्वर धाम का यहाँ कहाँ जाना चाह रही थी क्या? अरे पहले गए थे आप लोग किसी? मैं नहीं गया भैया, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया अभी तक। केवल टीवी में और मीडिया पे सुनते ही उन्होंने। हाँ, वो कहाँ रहते हैं पहले बोत्री, वहाँ चलना है तो हम चलेंगे कभी। फिर कैसे ऊपर नागर आ गए तो यदि हम लोग आधार तल गए थे तो वो तो बैनर तो लगे ही हैं उनके, तो बैनर वैनर देखिए बोली चलेंगे, हमने चलेंगे किसी दिन। माँ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, डॉक्टर ने ऐसी बात बोल दी कि आपकी माँ को कैंसर हो जाएगा यदि आप गठान नहीं निकालो। तो बात आप पता कर सकते हो, ये कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, बस यही बात है। नाम बता दीजिए। नाम मेरा संदीप चौधरी है। ली है जिसमें मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है और जो भी इसमें तथ्य आते हैं उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
प्रथम दृष्टया क्या बताया उसके पति ने? अभी ऐसा उसमें कुछ तथ्य नहीं बताए हैं, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं अभी, कोई फैक्ट सामने नहीं आए। जो भी फैक्ट सामने आते जो महिला के परिवारजनों से उनके स्टेटमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या तथ्य हैं, तो उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सत्ताईस तीन 2023 की घटना है और मृतका का नाम है पल्लवी चौधरी। नहीं, ऐसा कोई अभी तथ्य सामने नहीं आया, जो भी होगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। आप संदीप चौधरी उसके मृतकाई पति ने सूचना दी थी क्या कि मेरी पत्नी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है।